नहीं रहे अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के पिता बनारसी दास चावला। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। करनाल की वो धरती जहां कल्पना चावला का जन्म हुआ, वो धरती जिसका नाम अंतरिक्ष तक पहुंचा। दुनिया में कल्पना चावला ने करनाल का नाम मशहूर किया, नाम रोशन किया उस बेटी ने, और हजारों लाखों बच्चों को एक प्रेरणा दी सपनों को पूरा करने की। बनारसी दास चावला पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। 2013 में हमने एक इंटरव्यू किया था उनके पिता का, कल्पना चावला के, बनारसी दास चावला जी का, जिसमें उन्होंने बताया था कि कल्पना चावला क्या थी, उनके बचपन में शौक क्या थे, सपने क्या थे, और किस तरह से वो अंतरिक्ष की तरफ बढ़ी। उसका सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मेहनत उन्होंने छोड़ी नहीं। वापसी में जब अंतरिक्ष के कई राज जानने के बाद वो वापसी धरती की तरफ आ रहे थे, तो विमान में कुछ तकनीकी खराबी के कारण विमान ब्लास्ट हो गया। आज की तारीख करनाल वालों को याद रहेगी। वो शख्सियत जिन्होंने एक महान हस्ती, एक महान बेटी देश की झोली में डाली, वो आज दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जाते जाते एक बड़ा काम वो भी कर गए, अपना शव, अपना पार्थिव शव करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को सौंप गए। वो मेडिकल कॉलेज जो उनकी बेटी के नाम पर बना हुआ है, जहां हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मेडिकल की, जहां उन्हें उस शव के जरिए काफ़ी मदद मिलेगी जानने की इंसानी शरीर आखिर क्या है। कई चीज़ें उनको जानने के बाद पता लगेगा, कई चीज़ों का उन्हें पता लगेगा, और साथ ही साथ कई ऑर्गन हैं जो दूसरे लोगों की जान बचाने में भी काम आएंगे। साल 2014 में उन्होंने अपनी विल तैयार की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा पार्थिव शव जो है मेरी मौत के बाद वो किसी मेडिकल कॉलेज को दिया जाए। आज उनके परिजनों ने उनकी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। पिछले काफ़ी समय से वो करनाल में ही रह रहे थे, लेकिन बाहर कम ही निकल रहे थे, और काफ़ी साल में से वो बीमार भी चल रहे थे। बताया जा रहा है कि दिल की बीमारी थी। बीती देर रात उनका निधन हो गया हृदय गति रुकने से। आज करनाल के लोगों की तरफ से, करनाल वासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें एक अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें विदाई दी गई, और उनके इस महान कार्य को लोगों ने काफ़ी अच्छा बताया। एक इंटरव्यू सुनिए, साल 2013 में उन्होंने क्या कहा था कल्पना चावला के बारे में, और किस तरह की शख्सियत थे बनारसी दास चावला जी। कल्पना चावला बड़ी साधारण लड़की थी, और पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि टॉपर थी। अपने काम को बहुत अच्छी तरह करती थी, बड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करती थी, और इस तरह उसने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो उसने चंडीगढ़ से जाके उसकी डिग्री आगे फर्दर पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई, और वहाँ जाके उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और एक डिग्री ली। फिर उसने मास्टर डिग्री ली उसकी, और फिर उसने वहाँ से PhD की कोलोराडो यूनिवर्सिटी से। नौकरी मिल गई एक बड़े बड़े बढ़िया कंसर्न में एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, और वहाँ उसने 4.5 साल काम किया। वहाँ रहते रहते उसने अप्लाई किया नासा में, और 4.5 साल के बाद वो नासा में आ गई, और वहाँ रह के नासा में उसने फिर नासा की ट्रेनिंग ली, और फिर 2 बार वो स्पेस में गई। पहली बार वो 16 दिन रही, दूसरी बार भी वो 16 दिन रही, और उन 16 दिनों में बहुत उपलब्धियाँ हासिल की, जो कि सारी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। कहीं भी आप देखेंगे तो आपको कल्पना का नाम से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो दुनिया में बहुत कम लोगों ने की है। वो इन्वायरमेंट की बड़ी फ्रेंड थी, फूलों की, पौधों की, जीव जंतु की बहुत फ्रेंडली थी, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फ्रेंडली थी। आपको याद होगा कि करनाल के 2 स्टूडेंट वो हर साल वहाँ मंगवाती थी, और ये ट्रेडिशन अब तक चल रही है, वहाँ के लोग अब इस काम को कर रहे हैं।